अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस। पर के इस वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड। तो हम इस सिलेबस को टोटल फोर हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, यानी फोर डेज के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। तो रोज़ाना के अगर आप चार टॉपिक्स करते हो तो आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं तो अपनी कोशिश करूँगी कि मैं ये जो ऊपर आपको टॉपिक्स शो हो रहे हैं ये आज मैं अपलोड कर दूँ सारे के सारे, ठीक है। तो अभी की हमारी वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर पीपीसी, ठीक है। यानी ये लिखा तो नहीं होगा लेकिन आपको पता है दूसरा आपका पार्ट जो होगा वो पीपीसी से रिलेटेड है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने रिलेटिव प्रोविजन ज़रूर लिखनी है कि कौन सा सेक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पीपीसी के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है, तो हम इसकी आउटलाइन को तसल्ली से पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ अपने साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के हमने क्या करना है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पर्पस ऑफ पनिशमेंट। एक तो हम देखेंगे पनिशमेंट होती क्या है, ठीक है, और आप इसके अंदर डेफिनेशन भी लिखोगे। सबसे पहली चीज़ मैंने नहीं लिखी लेकिन आपने इसके अंदर डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपने इसका पर्पस लिखना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि कौन सा सेक्शन जो कि सेक्शन 53 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो इन काइंड्स के बारे में बात करता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास हम सेकेंड आउटलाइन देखेंगे, उसके अंदर हमने टाइप्स को कवर करना है अंडर सेक्शन 53 पीपीसी। कौन कौन सी टाइप्स के बारे में बात करता है, पहली चीज़ आ गई आपके पास किसास, ठीक है, उसकी हमने देखनी है डेफिनेशन। कौन कौन से सेक्शंस उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं, सारे सेक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेक्शन 299 भी बोल सकते हो, वो भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन कौन कौन से केसेस के अंदर होते हैं जो कि होमिसाइड और फिज़िकल इंजरी है। तो ये आपकी एक टाइप हो जाएगी। इसी टाइप के थ्रू हमने और दो सवाल करने हैं। एक तो आपके पास आएगा किसास और ताज़ीर वाला सवाल आता है इसमें से, कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आप बताओ, ठीक है। इसके साथ आपका ये सवाल इस तरह से कंप्लीट होगा, ये वाला। फिर उसके बाद आपके साथ एक और सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी हेडिंग को आप मिलाओगे एक और क्वेश्चन के साथ और वो है क्वेश्चन आपके पास कत्ल का, ठीक है। कत्ल के क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछा जाता है किस तरह से लाइएबल होते हैं टू के सास, तो हम साथ साथ उसके पास्ट पेपर्स भी देख लेंगे, ठीक है। अभी की मैं पास्ट पेपर इधर ओपन करना भूल गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप पास्ट पेपर भी आपको साथ साथ शो करवाऊँगी कि ये इस तरह से सवाल पूछा गया है और आपने उसी तरह से उस सवाल को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले किसास है आपका, हो गया। दियत का सवाल आपको सिर्फ इसी के अंदर लिखने के लिए आता है। आपसे या तो सवाल पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो है वो वेरियस पनिशमेंट, आप उनके बारे में सारा सवाल लिखो, या आपसे पूछा जाता है बीच में से हेडिंग्स पूछ ली जाती हैं, जैसे कि सास के बारे में पूछ ली, ताजिर के बारे में पूछ ली, तो इस तरह से निकाल के वो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो एक इसको पूरे क्वेश्चन के लिहाज से और बाकी जो जो उसने पूछी हुई है वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो दूसरा है दियत, इसकी भी आपने डेफिनेशन कवर करनी है और क्या कवर करना है, लीगल प्रोविजन। फिर उसके बाद है अर्श, आपके इसके अंदर आ जाते हैं डेफिनेशन, लीगल प्रोविजन और जो है वो आपके पास आगे एप्लीकेशन, यानी कौन कौन से केसेस किन किन टाइप के इंटरनेशनल हार्म या कौन कौन से स्पेसिफिक टाइप के हार्म्स पर ये वाली आपको पनिशमेंट लगेगी। देन है आपके पास दमन, इसके अंदर भी आपने डेफिनेशन, लीगल प्रोविजंस, एप्लीकेशन कवर करनी है। फिर आपके पास पांचवें नंबर पे ताज़िर आएगी। देखो मैंने पहले भी आपको बताया इन दोनों के दरमियान ना एक सवाल मैंने पास्ट पेपर में आप लोगों का देखा है कि वो किसास और ताज़िर के दरमियान उन्होंने कहा है कि आप इनके बारे में बताएं और फिर इन दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करके भी बताएं, ठीक है। तो आपने सवालों को इस तरह से करना है कि आपको सारी डायमेंशंस क्लियर हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं इम्प्रिजनमेंट। सेम आपने इम्प्रिजनमेंट बताना है, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। रिगोरस, इसके अंदर दो आ जाती हैं, एक सिंपल और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और फिर उसके बाद उसकी लीगल वेरिफिकेशन, लीगल प्रोविजंस, और फिर उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशंस देखोगे। फिर उसके बाद आप 44 ऑफ
प्रॉपर्टी आ जाएगा और फिर उसके बाद फाइन। सेम इसी तरह आपने सबके अंदर हेडिंग्स को यही इंक्लूड करना है, देन एट द एंड कंक्लूजन है। तो आउटलाइन आपको समझ में आ रही है कि आपको किस तरह से, और ये चीज़ भी सीखिए कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट, जिस तरह से हमने किसास के साथ ही कत्ल का टॉपिक कवर कर लेना है, किसास के साथ ही हमने दूसरा कोई टॉपिक कवर कर लेना है, ताजिर के अंदर कौन सी आती है या फिर किसी और पनिशमेंट के अंदर कौन से, हम देखो जिस तरह से हम थेफ्ट को पढ़े हैं, किडनेपिंग को पढ़े हैं और कत्ल को पढ़े हैं, हर्ट को पढ़े हैं, तो हमने कोशिश करना है कि हम इनके साथ ये सारी चीज़ें करें। तो इस तरह से आपने जब पनिशमेंट वाला सवाल तैयार करना है तो इसके साथ जितने भी ये क्राइम्स हैं आपने उनको इनके साथ रिलेट कर करके पढ़ना है, ताकि आपसे सवाल किसी भी तरह से हो जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, ये साथ साथ चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको और आपने इनके ऊपर अमल करना है ताकि आप पेपर अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, कोई क्राइम करते हो जो लॉ के अगेंस्ट होता है, तो आपको उसके नतीजे में कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ नतज भुगतना पड़ते हैं जो कि आपको पनिश किया जाता है, सज़ा दी के तौर पे दी जाती है, उन्हें आप बोलते हो पनिशमेंट। दिस इज़ द डेफिनेशन। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसकी डिफरेंट डिफरेंट है। अब डेटरस, रिहेबिलेशन, रेट्रीब्यूशन, कंपनसेशन, इसका आप मुझसे देख लीजिए कि इसके मतलब क्या है। व्हाट इज़ डेटरस? डेटरस का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे काम करिए जिस तरह से अगर आप लोगों के अंदर ये खौफ पैदा कर दें कि अगर आप किसी के घर चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, तो लोग उस ऑफेंस को करने से डरेंगे। रिहेबिलेशन प्रोसेस ये होता है, माइनर कोई एक इंसान है, उसने कोई गुनाह किया है, तो उसको प्रॉपर एक काउंसल किया जाता है उसके बिहेवियर को, रिहेबिलेशन सेंटर्स होते हैं, प्रोबेशन और पैरोल हमने पढ़ा है ना, उसके थ्रू उनके बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन सके। रेट्रीब्यूशन ये होता है कि इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी का नुकसान किया है, तो नुकसान करने वाली पार्टी दूसरी पार्टी का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, ठीक है, ताकि जस्टिस उसको मिले। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपनसेशन। ये कंपनसेशन किसी भी पैसे की सूरत में हो सकता है या किसी और चीज़ की सूरत में भी हो सकता है, ताकि वो जो जिनका नुकसान हुआ है आप उन्हें उसकी पेमेंट करो। ये आपके पास था पनिशमेंट का। पनिशमेंट का प्रोसेस पर्पस क्या होता है? यही डेटरेंस, रिहेबिलेशन, रेट्रीब्यूशन और कंपनसेशन, ठीक है, ताकि आपका जस्टिस रहे। चीज़ों को इसी तरह से आप लिखिएगा। अब कौन सा सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, PPC का, जो कि बात करता है अबाउट द क्राइम्स ऑफ द पनिशमेंट, वो है सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि आपका बात करेगा किससे रिलेटेड, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड। अब हमने उसके अंदर बात करनी है किसास क्या है, मतलब वेरियस टाइप, ये ना यहाँ पर एक ओवरव्यू है, ठीक है, इस इन्हीं को हमने डिटेल के अंदर आगे पढ़ना है, तो आप चाहो तो इनको रीड इधर से कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके नाम लिखिएगा किसास, दियत, अर्श, दमन, ताजिर, इम्प्रिजनमेंट, 45 फॉर्टीफीचर, पता नहीं ये नाम क्या है, ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ठीक है, तो ये सब आपने नाम लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 PPC, यानी PPC के सेक्शन 53 के अंडर अब हम टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है किसास। किसास आपके पास क्या है कि आपने जितना, एक पार्टी है, पार्टी के चलो एग्जांपल्स लेके समझा देती हूँ, देयर आर टू पार्टीज, पार्टी ए और पार्टी बी। अब पार्टी बी ने इस पार्टी ए ने यहाँ के एक बंदे का किया कत्ल, अब यहाँ की पार्टी बी इनके एक बंदे का कत्ल मांगेगी, यानी आँख के बदले आँख, कत्ल के बदले कत्ल, हाथ के बदले हाथ, यानी जो आपने क्राइम किया है सेम वैसी ही आपको फिजिकल इंजरी आपको आपके साथ क्राइम किया जाएगा, ये है किसास। ठीक है, अब कौन कौन से सेक्शंस आपके इस प्रिंसिपल, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, वो है सेक्शन 29 to 38, 29 to 303, बात करते हैं अबाउट द किसास। दिस सेक्शन कवर द एप्लीकेशन ऑफ किसास, कि या किसास किस तरह से अप्लाई होगा फॉर सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, द विक्टम्स फैमिली जो है वो अब सीक कर सकती है किसास। ठीक है, अब सेक्शन 299 to 303 किस बारे में बात करता है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू द फॉर होमिसाइड एंड बॉडी हार्म। ठीक है, आप इनमें से अगर आपको ये याद नहीं रहा तो इसको आपने सेक्शन को लिख दिया, दैट इज़ इनफ।
ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगी, यानी ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, इन केस ऑफ इंटेंशनल किलिंग, जब आपने जानबूझ के किसी का कत्ल किया है, कि सास अलोज द विक्टम फैमिली टू के सीक रेट्रीब्यूशन, कि वो विक्टम फैमिली जो है वो आगे रेट्रीब्यूशन सीक कर सकती है कातिल के खिलाफ, ठीक है। फिजिकल इंजरी, कोई ऐसी इंजरी आपने किसी को पहुंचाई है जिसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी वो अपाहिज हो गया या कुछ इस तरह से है, तो इस केस के अंदर आपके सास अप्लाई कर सकते हो। अब कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जिनके अंदर के सास हो सकता है कि अप्लाइड ना हो। पहला है सेटलमेंट, सेक्शन 309 ऑफ पीपीसी बात करता है कि अगर किसी को आप दो पार्टीज ने एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर दिया, लाइक कंपनसेशन कर दिया, दियत जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर इस केस के अंदर वो क्या इसके साथ अप्लाई नहीं होगा। इन सम केसेस इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ किसास इज़ नॉट फिजिबल और प्रैक्टिकल ड्यू टू लीगल, कि किसास की एप्लीकेशन कुछ लीगल, कुछ सोशल या मेडिकल रीज़न की वजह से अप्लाई नहीं हो रही, तो कोर्ट क्या करता है इस केस के अंदर कुछ एक अल्टरनेटिव पनिशमेंट ढूंढ लेता है, और ये बात हुई है सेक्शन नंबर 310 एंड 310 और 311 में के अंदर बात हुई है इसकी लीगल इम्पीडमेंट के बारे में, इम्पीडमेंट के बारे में। इनवॉलंटरी एक्शंस सेक्शन 299F एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ बेसिकली इम्पीडमेंट इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में बात करता है। क्या बात है ये, कि सास इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केसेस वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड अंडर ड्यूरस कोर्सन और विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इंजरी अकर्ड एक्सीडेंटली और ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल एक्शन, हो सकता है कि एक ऐसा बंदा था, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको क्या दूँ, हाँ आप ये एग्जाम्पल ले लो कि रोड है, ठीक है, और वहाँ पे आप अपनी जैसे मोटरवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपसे 110 से नीचे नहीं आना, आप उस हिसाब से गाड़ी चलाई जा रहे हो, कोई एक बंदा वहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आप पीछे से क्योंकि स्पीड में आ रहे थे और यकदम आप ब्रेक नहीं लगा सके और गलती उस बंदे की थी इस केस के अंदर, आप और वो बंदे की डेथ होगी इस केस के अंदर, आपको किसास नहीं लगेगा, डेथ ऑफ ऑफेंडर, ठीक है। सेक्शन 310 ऑफ द पीपीसी इसका बात करता है कि इफ़ द ऑफेंडर डाइज बिफोर द पनिशमेंट कैन बी कैरिड आउट, मतलब जिसने आपका नुकसान किया है उसको सज़ा मिलने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए तब भी वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जेम्पशन थी जिसमें सेटलमेंट हो गई आपकी, या फिर लीगली कोई लीगल इशू था, या फिर गलती से हुआ, या फिर डेथ ऑफ द ऑफेंडर जो है जिसने आपका नुकसान किया उसी की डेथ हो जाए उस बेस के ऊपर, ठीक है। ये थी आपकी। अब आपके पास आ जाता है दियत। दियत होता है कि आप किसी को, दो पार्टीज हैं उनके दरमियान जो सेटलमेंट के लिए वो क्या करें, वो उनको पैसे दे दें कुछ, ठीक है, और जितना उनका नुकसान हुआ है उसके भरपाई कर दें, तो फिर वो केस वहाँ पे आप उसकी पनिशमेंट नहीं मिलती है। लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस इसकी क्या है कि सेक्शन 299 टू 338 इस बारे में बात करता है दियत के बारे में, ठीक है, और सेक्शन 299 बात करता है कि किस तरह से कंपनसेशन डिटरमिन होगी, किस तरह से आप अमाउंट डिटरमिन करोगे और मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सारी सेक्शन ये बात करता है। अब इनकी एप्लीकेशन किन केसेस के अंदर होती है, एक तो अनइंटेंशनल किलिंग हुई, दियत इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ मैन स्लॉटर और एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू वेयर द एक्शन वॉज नॉट डेलिबरेट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्यास द अफेंडर इज रिक्वायर्ड टू पे दियत। अब क्यास की, क्यास में तो आप ये कहते हो ना कि कत्ल किया तो कत्ल ही होगा, इस केस के अंदर ये होता है कि दियत में विक्टम की फैमिली उनसे कुछ पैसे डिमांड करती है कि आप हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है। फॉर अनइंटेंशनली किसी की इंजरी होती है तो आप किसी को दे देते हो, या फिर आप किसी को, इफ़ द विक्टम्स हैड चूज टू फॉरगेट द दियत इज इम्पोज, तो अगर वो माफ़ कर देते हैं तो उनके ऊपर कुछ दियत अप्लाई कर दी जाती है कि आप इतनी अमाउंट विक्टम की फैमिली को दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा अर्श, इज़ अ टाइप ऑफ कंपनसेशन दैट इज़ पेड फॉर इंटेंशनल इंजरीज, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन टू द विक्टम व्हेन द हार्म इन्फ्लिक्टेड वाज डेलिबरेट, ठीक है। ये भी बेसिकली एक कंपेंसेशन दी जाती है, फाइनेंशियल कंपेंसेशन दी जाती है। लीगल प्रोविजन अगर इसकी बात करें सेक्शन 299, 388 और 335 इसके बारे में बात करता है। इंटेंशनल हार्म किया जाए या फिर किसी को सीवियर इंजरी हो जाए उस केस के अंदर आपको ये वाली पनिशमेंट दी जाती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है दमन।
दमन इज़ अ कंपनसेशन पेड फॉर हार्म और इंजरी दैट इज़ नॉट कवर्ड। अब जब इन दोनों पनिशमेंट के अंदर जो कवर नहीं हो रहा हार्म या इंजरी, वो दमन के अंदर आ जाती है। इट इज़ यूज टू एड्रेस डैमेजेस वेयर नेदर रेट्रीब्यूशन नॉट स्पेसिफिक कंपनसेशन फॉर इंटेंशनल इंजरीज। यहाँ पर ना तो आप रेट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हो, ना स्पेसिफिक कंपनसेशन इंटेंशनल इंजरीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सर्व एज जनरल रेमेडी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हार्म। अब लीगल प्रोविजन इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, यही सेक्शन आपका 299 और 338 आपके बारे में बात करता है। सेक्शन 337 आप डायरेक्ट ये भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, जनरल कंपनसेशन और नॉन स्पेसिफिक हार्म। व्हेन द इंजरी इज़ नॉट कवर्ड बाय द मोर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, यानी जब इंजरी ना तो किसास के अंदर आ रही है ना आरसी अंदर आ रही है, तो दमन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। दमन सर्व एज जनरली जनरल रेमेडी इंश्योरिंग दैट द विक्टम विक्टम जो है उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले, जो भी उसको नुकसान हुआ उसकी बेस पर। फिर उसके बाद आपके पास आ गया है जी ताजिर। ताजिर के बारे में अगर डेफिनेशन देखें, रेफर्स टू द पनिशमेंट इम्पोज फॉर ऑफेंसेज वेयर इस्लामिक लॉ डज नॉट स्पेसिफाई। जहाँ पर इस्लामिक लॉ खामोश हैं, ऐसे गुनाह जिनके ऊपर इस्लामिक लॉ खामोश हैं, इट इज़ यूज्ड व्हेन द लॉ डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरीज। ना तो वो किसास के अंदर आ रहे हैं, ना वो दियत के अंदर आ रहे हैं। किसास जो कि रेट्रीब्यूशन है, दियत जो कि कंपनसेशन दी जाती है, और अर्श जो कि कंपनसेशन फॉर इंटेंशनल हार्म दी जाती है, या फिर दमन जो जनरल कंपनसेशन दी जाती है, इनमें से किसी के भी अंडर नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो जो है वो ताजिर के अंडर उनको ट्रीट किया जाता है, उन ट्रीटमेंट्स को पनिशमेंट्स को। फिर उसके बाद आ जाता है लीगल प्रोविजन, इसकी क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द एफ्स ऑफेंस सच एज थेफ्ट और अदर क्राइम्स नॉट कवर्ड बाय किसास या दियत, तो फिर क्या होता है सेक्शन थ्री डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिपेंड करते हुए इसका जो भी ऑफेंस है, जैसे आप थेफ्ट का पढ़ रहे हो या फिर कोई और क्राइम पढ़ रहे हो, तो वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सेक्शन 379 डील करता है थेफ्ट और उसके रिलेटेड जो स्पेसिफिक पेनल्टीज हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। अब कहाँ पर ये अप्लाई होता है एप्लीकेशन, डिस्क्रिमिनेशनरी पनिशमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंटेंसिंग मीनिंग दैट द जज कैन डिसाइड ऑन पेनल्टी, यानी जज डिसाइड कर रहा है कि इनको कितनी सज़ा होगी कितनी नहीं होगी। टाइप्स ऑफ ताज़ीर पनिशमेंट, एक या तो आप उन्हें जेल में डाल दो या उन्हें फाइन डाल दो, या फिर बेस ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस आप डिफरेंट पेनल्टीज अपनी मर्जी से उसकी डिसाइड कर सकते हो। इम्प्रिजनमेंट, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, दिस टाइप इन्वॉल्व हार्ड लेबर, मीनिंग प्रिजनर मस्ट परफॉर्म फिजिकल वर्क वाइल सर्विंग देयर सेंटेंस। रिगरस इम्प्रिजनमेंट वो होता है जिसके अंदर जो कैदी होता है उसने अपने, जब वो कैद काट रहा होगा उसके साथ साथ वो दूसरी मजदूरी भी करता है, और इसमें बात करता है सेक्शन 55, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सीरियस कोई ऑफेंस हो तो वहाँ पर आपको लेबर, हार्ड लेबर भी डाल दिया जाता है आपके ऊपर। सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसके अंदर कोई आपका हार्ड वर्क नहीं होता कि आपने हार्ड लेबर वर्क भी साथ करना है इसके अंदर, ठीक है। और ये सेक्शन 58 इसी के बारे में बात करता है, जो लेस सीवियर ऑफेंसेस होती हैं वहाँ पर, ठीक है। लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 63 और 65 इसके बारे में बात करता है, और ये डिपेंड करता है कितना सवेयर केस है, जितना सवेयर केस होगा उसके मुताबिक ही इसका फैसला होगा। फॉरफीटर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीटर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व द कन्फिस्केशन ऑफ ऑफेंडर प्रॉपर्टी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। दीज मेजर एम टू डिप्राइव द ऑफेंडर ऑफ देयर एसेट्स ईदर सच एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्राइम, उनको अपने कुछ एसेट्स में से पे करना पड़ता है, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी है ना, अपनी प्रॉपर्टी में से कोई चीज़ देने पे पड़ेगी, वो कोई लैंड हो सकता है, वो कार हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो कोई और चीज़ हो सकती है, तो वो प्रॉपर्टी अपनी उसको देगा, ठीक है, जिसका वो नुकसान किया होगा। और ये कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन नंबर 61 और 62 इसके बारे में बात करता है स्पेसिफिक केसेस, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक केसेस के ऊपर अप्लाई होगा। फाइन क्या होता है, आप मनीटरी पेनल्टी किसी के ऊपर डाल रहे हो कि अगर आपने ये नुकसान किया है तो इसके बेस पर आपको इतने पैसे जमा करवाने होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टू द स्टेट, या फिर या वो आपको स्टेट को पे करने होंगे या फिर आप विक्टम को, लीगल कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर ये डिसाइड होगा। सेक्शन 64, 70 और 386 इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन मनीटरी पेनल्टी हो सकती है, डेथ फिर आप एक कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है, इज आल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। अल्टीमेट फॉर्म है पनिशमेंट की, जहाँ पे इंडिविजुअल को मौत की सज़ा दी जाती है, और सेक्शन 302 इसके बारे में बात करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपने मर्डर, फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर किया तो उस केस के अंदर आपकी डेथ पेनल्टी लग जाती है, ठीक है, या फिर कोई बहुत सीवियर केस हो, बहुत हीनियस केस हो, लाइक रेप का केस हो, या किसी ने जो है किसी कब्र खोदी है, उसकी इस तरह के जो केसेस वगैरह होते हैं, इनकी सिवियरिटी की बेस के ऊपर उनको जो है वो सज़ा दी जाती है। जुडिशियल पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, ट्रायल्स होती हैं, अपील्स होती हैं, ताकि किसी के साथ नुकसान ना हो, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो, सबके साथ जो है वो जस्टिस हो, सबको इंसाफ मिले, ठीक है। ये था आपका ये काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। अब हमने इसको किसके साथ जोड़ना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, अभी से वीडियो बंद करके भागना जाना, चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ हमने क्या करना है। अब हमने किसास की तरफ जाना है, ठीक है, किसास और ताजिर के दरमियान जो डिफरेंस है उनको देख लेंगे, और फिर किसास एक वीडियो के अंदर ये कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो किसास को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं ऑन कत्ल, ठीक है, ये फिर हमारा कत्ल वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।